हो तो कमेंट करके बताइए कि मैं टोपी लगा कर जाऊं क्या। सच बताना आप सब, अच्छी लग रही है टोपी मेरे ऊपर? हाँ नहीं अच्छी लग रही शायद, तभी तो आप सबको। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप सभी को ब्लॉग अच्छा लगेगा, क्योंकि आप सब तुरंत ही स्किप कर देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, देखा करो मेरी वीडियो। इतना मेहनत करती हूँ मैं आप सभी के लिए, पर आप सब वीडियो देखते नहीं हो। तो फ्रेंड, आप सब देख रहे होंगे कि मैं रोज के ही कपड़े में पर तैयार हूँ कहीं जाने के लिए। तो आप सब वीडियो में बने रहिए, तभी आप सभी को पता लगेगा कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। तो फ्रेंड, कल था मेरे बेटे का बर्थडे, और जो कि मतलब बच्चे सब बाजा वाजा बजा रहे थे, तो उसमें का तार ही मतलब जल गया था, टूट गया था। मतलब पता नहीं कैसे क्या हुआ था, मतलब बस खराब हो गया वो। मतलब स्विच में लगाओ तो बाजा ही नहीं बजता, तो थोड़ा घर पे बाजा रहता है, मतलब साउंड रहता है, तो थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मोबाइल से कनेक्ट कर लेती थी। तो चल रहे हैं आज लाने, देखते हैं किस तरह का पसंद आता है। वैसे तो मैंने सोचा है कि अब की बड़ा साउंड नहीं लेंगे, अब की मैं इतना बड़ा लेंगे। अगर इतना बड़ा साउंड मिलता है तो मैं जरूर ले आऊंगी, क्योंकि अपने पसंद की। और मैं खुद जा रही हूँ, वो भी देवर जी के साथ। आज हस्बैंड जी घर पे नहीं है, तो देवर जी को लेके जा रही हूँ, और बच्चे रहेंगे घर पे। तो फ्रेंड, मैं मोबाइल नहीं लेकर जाऊंगी, मोबाइल घर पे ही छोड़ के जाऊंगी। आऊंगी तो आप सभी के साथ अनबॉक्सिंग करेंगे, दिखाएंगे कि कैसा है वो। तो देखिए, मैं जो कपड़े में थी वही कपड़ा के ऊपर मैंने साड़ी बांध लिया। वैसे तो मैं नाइटी में थी, ये देखिए अभी अभी नाइटी उतार के रखा था। तो आप सब बताइए, ये देखिए मेरे बेटे का टोपी है, कैसा लग रहा? अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके बताइए कि मैं टोपी लगा कर जाऊं क्या। सच बताना आप सब, अच्छी लग रही है टोपी मेरे ऊपर? हाँ नहीं अच्छी लग रही शायद, तभी तो आप सब कमेंट नहीं किए हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, बहुत ज्यादा गर्मी है बाहर, इतनी गर्मी है कि बर्दाश्त नहीं होता धूप से। हाँ तो ये देखिए, मैं लेकर आ चुकी हूँ फ्रेंड, क्योंकि बाल हमारे बहुत ज्यादा सुलझ गए थे, मतलब टेढ़े मेढ़े हो गए थे, उलझ गए थे। तो आप सभी के साथ मैं अनबॉक्सिंग कर देती हूँ और दिखाती हूँ कि कैसा मैंने लेकर आई हूँ। और हाँ, सबसे पहले तो मैं इसको दिखाएंगे, ये है मेरा पुराना वाला, ये देखिए, ये पुराना डीजे है, डीजे जिसको बोल सकते हैं साउंड। तो है काफी गमक है इसमें, काफी अच्छा है, कोई खराबी नहीं है दोस्तों। ये देखिए, इसमें का तार बस चिंगारी निकली थी, पता नहीं क्या हुआ, फिर लगता है तार खराब हो गया। मैं इसको छील कर कोशिश भी किया था, ये देखिए, बनाने का, लेकिन नहीं बना पाई। तो हसबैंड जी आएंगे तो बनाएंगे, पर मेरी जो ख्वाहिश थी वो मैं लेकर आई हूँ। मैंने इसको बजा बजा के देखा था, ये देखिए बहुत अच्छा है। मैं कोई रिव्यू नहीं कर रही हूँ दोस्तों, ना ही कोई कंपनी का नाम बता रही हूँ, बस मैं खुद से अपने लिए लेकर आई हूँ। तो यहाँ से ऑन करने का है, ये देखिए ऑन हो गया। वेलकम टू एमसी म्यूजिक। ऑन हो गया, और इधर को करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो चार्जिंग का भी बना है, इसके साथ चार्जिंग भी मिली है, और ये चार्जिंग का है, और इसमें से कम करने का और तेज करने का ये बटन बनी हुई है, स्विच ऑफ करने का है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि गला खराब हो गया, आइसक्रीम खा लिया था वहां पे। तो इसके साथ चार्जिंग भी है। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। और अगला ब्लॉग कैसा आप सब देखना पसंद करते हैं भी कमेंट कर दिया करो। आप ही सभी के लिए मैं ब्लॉग बनाती हूँ। हाँ हाँ ये तार ही खराब हो गया है, एक दो अगर बनेगा तो पापा ठीक करा देंगे।
वरना बेच देंगे कबाड़ी के हाथ। तो फ्रेंड फाइनली मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि मेरा ख्वाहिश था कि इतना बड़ा लूँ, छोटा सा ही, ये मेरा ख्वाहिश था कि छोटा सा ही लूँ, और ये छोटा सा ही मैंने ले ली। आज मेरी मनोकामना पूरा भी हो गया, और ये भी ठीक है दोस्तों, देखते हैं बनता है तो ठीक है, वैसे तो जितना आवाज इसमें रहेगा उतना इसमें नहीं रहेगा, पर हाँ इसको चार्ज कर लो, कहीं भी आओ जाओ तो अपने थैले में रख लो, तो मतलब बस मोबाइल से कनेक्ट कर दो, बाद में लगता है, कोई झंझट नहीं रहता। वैसे ये है तो बड़ा है, थैले में भी रखने में प्रॉब्लम होती है, तो ये भी मोबाइल से चलता था और मेमोरी से भी चलता है, ये दोनों तरीके से चलता है। तो फ्रेंड इसको रख देते हैं और मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक कटाटा बाय बाय।